class. When we look at the temporary mound of onion peel as well as human cheeks, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. Okay, this cell region में ना हम एक देखते हैं बहुत कम little strain हमको दिखता है. तो वो क्या होता है? जब onion peel और human cheek के cell का हम microscope through temporary mound करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रीजन जो होता है जो लिटिल स्टेनिंग लगता है, थोड़ा सा स्टेन, वेरी लिटिल स्टेन दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट आल्सो कंटेन मेनी और स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स. ओके, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. ओके, सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. It is the liquid material of the cell. It contains organelle. इसमें देखते हैं cell organelle क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे cell organelle हमारे कौन कौन से हैं? Plastids, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, okay, lysosome, ये सब हमारे cell organelles हैं. तो cytoplasm it is a liquid material of cell. It contains cell organelles, जिसको metabolic machinery भी बोलते हैं. तो cell organelles हमारे कौन कौन से हैं? हमारे ये सारे cell organelles हैं. इसमें जो भी हैं ये parts, plastid हुआ, cytoplasm, nucleola, ये सब cytoplasm के ये सब cell organelles हैं, इसमें रहते हैं cytoplasm में. ये सब वैक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है वो उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं. तो पहला हम देखते हैं प्लास्टिड. प्लास्टिड क्या? प्लास्टिक का बताया हुआ है पहले से. प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. दिस वन ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. टू टाइप्स हैं इसके, टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. कौन कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट, जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं. और दूसरा हमारा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हमारा है ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड. वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ये. क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट. ओके, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. ये जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? इसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है इसलिए. और क्रोमोप्लास्ट को ना किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ सेल. अच्छा, ये किचन ऑफ सेल हो गया. क्रोमोप्लास्ट का कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से. ये हो गया, ये हमारा, इसके अंदर ना ये सेक लाइक स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट रहता है, इस तरह से सेक, जैसे एक के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ हो. ये सिंगल कॉइन, फिर यहाँ एक के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है. ये सिंगल कॉइन, फिर इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है वन बाय वन करके, देन फिर सिंगल, फिर कॉइन रखा हुआ है. ओके, तो इसमें एक लिक्विड, ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं. ये क्रोमोप्लास्ट का है, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और अंदर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ओके, इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो है स्ट्रोमा. इसमें ये जो है क्वाइन वाला, अगर एक साथ जुड़ा हुआ है ढेर सारा तो वो बन गया ग्रैनम, अगर वो सिंगल है तो वो हो गया थायलाकोइड. ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है. क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कंटेनिंग स्ट्रोमा एंड स्टैक्ड लैमिले. स्टैक्ड, ये जो है ना इसको वन बाय वन रखना, इसको स्टैक्ड लैमिले कॉल्ड ग्रेना. ओके,
ग्रेना कंटेंस ग्रीन पिगमेंट, ग्रेना में जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ओके, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ओके, प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम अपना होता है. ओके, ये इसका अपना होता है. अब इसका फंक्शन हम देखते हैं, फंक्शन क्या है इसका. तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. और व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, दे स्टोर फूड. ओके, यहाँ फूड स्टोरेज का काम होता है, स्टोर फूड स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैनुल्स इट फैट्स ईटीसी यहाँ स्टोर्ड होता है. ओके, क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड है, इम्पार्ट कलर्स इम्पार्ट्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, जिसके वजह से यहाँ फ्रूट्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड है इसलिए. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन आता है माइटोकॉन्ड्रिया. This one is very important. Mitochondria is very important part. So, look. They are rod-like. Rod shape की तरह ये होता है. Rod shaped and has double membrane. ये double membrane होता है. Double membrane and has double membrane. Outer membrane porous होता है. अंदर आना जाना आराम से होता है, पोरस होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे, इस तरह से कुछ. ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल है ये. ओके, ये डबल है और कुछ इस तरह से फोल्डेड टाइप से होता है. ओके, ये फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे एंड कंटेन स्मॉल बॉडीज. इसके अंदर में कुछ स्मॉल स्मॉल बॉडीज रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स. और ये क्रिस्टे हो गया. ओके, अंदर में लिक्विड एक प्रेजेंट रहता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, कैविटी इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स. ये आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन. दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिखा है मैंने. दिस वन इज क्रिस्टे. स्मॉल बॉडीज इज प्रेजेंट हियर. दिस वन इज ऑक्सीजोम्स. कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स. क्वेश्चन पूछा जाता है विच हैज ऑन डीएनए, तो उसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया हैज ऑन डीएनए. और इसके पास का सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स, इसके पास अपना प्रोटीन्स भी होता है कुछ. ओके, अब ये हम देखते हैं इसका फंक्शन. इट प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी. इसके आप पहले वाले में देखोगे जहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट किया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, उस जगह भी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया हुआ. ओके, तो यहाँ बस इतना है. इट प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी. ये एनर्जी किस फॉर्म में करता है प्रोड्यूस, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो कौन से फॉर्म में, तो वो एटीपी, एटीपी के फॉर्म में. एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या होता है जब फूड ब्रेक डाउन होता है, कोई भी फूड जो है हम खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हुआ, वो उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, देन प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी मिला तो कौन से फॉर्म में मिला, केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी तो कौन से फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है. दिस वन इज केमिकल एनर्जी. ओके, दिस वन इज केमिकल एनर्जी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये हमेशा याद रखना है, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ATP is known as currency of the cell. जिस तरह से पैसा क्या करता है, रुपीस क्या का काम करता है, पैसे का काम करता है ना, पैसे का लेन देन का काम करता है. ATP भी वही है, वो भी करेंसी का ही करता है काम. करेंसी ऑफ द सेल, सेल का करेंसी है ये. ओके, ATP इज नोन एज करेंसी ऑफ द सेल.
पूछा जाता है ये भी, करेंसी ऑफ सेल किसे बोलते हैं? तो एटीपी को, एटीपी इज नॉन एज करेंसी ऑफ द सेल। ओके, अब हमारा आता है वैक्यूल। नेक्स्ट वन इज आवर वैक्यूल। वैक्यूल इज प्रेजेंट इन स्मॉल साइज, स्मॉल साइज इन एनिमल सेल बट इन लार्ज साइज इन प्लांट सेल। यहाँ हमने डिफरेंस बताया था प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स आर स्मॉलर एंड लेस इन नंबर। ओके, ये पहले भी बताया हुआ है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ओके, प्लांट सेल 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ओके, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस आर नोन एज वैक्यूल्स। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज एंड परमानेंट, इसमें परमानेंट होते हैं, और एनिमल्स में होते हैं लेकिन टेम्प्रोरी होते हैं वो। ओके, कुछ इस तरह से वैक्यूल जो है ये इस तरह से है कुछ। ओके, ये हमारे इस तरह से हैं, ये ऑर्गेनल्स है अंदर में, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये जो अंदर वाला पोर्शन जो लिक्विड भरा हुआ है वो उसको क्या कहता है, सेल सैक। ओके, और ये जो है बाहर वाला उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ओके, अब इसका देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, प्रोवाइड्स क्या करता है, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी देता है, रिजिडिटी वॉल्यूम बढ़ाने का काम। दे स्टोर सब्सटेंस, स्टोर करते हैं, स्टोरेज का भी काम करता है, स्टोरेज सब्सटेंस, स्टोर सब्सटेंस लिखना चाहिए था, सब्सटेंस। दिस इंक्लूड्स एमिनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। ओके, ये हमारा वैक्यूल्स का है फंक्शन, फीचर दोनों हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमने देखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस के साइड साइड में प्रेजेंट रहता है, ये वाला लार्ज नेटवर्क इरेगुलर होता है, ये दिस वन इज इरेगुलर लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। ओके, इरेगुलर नेटवर्क, इट्स लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल ट्यूब की तरह ये रहता है, और राउंड और वेसिकल्स। ओके, इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इनक्लोजिंग फ्लूड इन इट्स कैविटी, उसके अंदर में, ट्यूब के अंदर में जो है ना एक लिक्विड, लिक्विड प्रेजेंट रहता है, कैविटी रहता है, उसमें लिक्विड रहता है। ओके, अब इसका देखते हैं, इट इज़ अ लार्ज, ये इरेगुलर है, इसका फीचर्स देखते हैं पहले, ये इरेगुलर है, इरेगुलर नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क, इरेगुलर या लार्ज जो बोलो, इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ओके, मेम्ब्रेन नेटवर्क इनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी। टू टाइप्स के हैं ये, टू टाइप्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स अटैच्ड हियर। ओके, बट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम इज नॉट अटैच्ड। ओके, ये डिफरेंस है, इट हैज राइबोसोम्स, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड, but in smooth endoplasmic reticulum no ribosomes attached। okay, इसका function देखते हैं, what is the function of endoplasmic reticulum, a smooth endoplasmic reticulum synthesize fats etc like lipids, किसका synthesis होता है, lipids का। okay, lipids का synthesis जैसे हुआ, ये a smooth endoplasmic reticulum synthesize fats
lipids, etc. Okay. Endoplasmic reticulum forms a skeleton framework of cells. जिस तरह से skeleton हमारे body को frame देता है ना, वो उसी तरह से endoplasmic reticulum भी जो है वो cell का frame, cell को frame देता है. Forms a skeleton framework of cell. Okay. A rough endoplasmic reticulum is site for protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum is site for protein synthesis. यहीं पे protein synthesis होता है. Most important part. A smooth endoplasmic reticulum helps in detoxification. Detoxify करने में भी help करता है. Detoxification. Endoplasmic reticulum helps in formation of membrane of cell. ये cell membrane का जो formation होता है ना, formation of cell में भी help करता है. Cell membrane, formation of membrane, membrane बनाने में cell का help करता है. Help, helps in, कर देते हैं, helps in. अब देखते हैं हमारा next है Golgi apparatus. हम पहले ही बहुत ज़्यादा इसके बारे में जान चुके हैं अपने डिफरेंशिएशन के टाइम में एनिमल और प्लांट सेल के बारे में, फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है. तो गोल्गी अपरेटस ह्यूमन में, एनिमल में बोलो, ये गोल्गी अपरेटस, यहाँ पर गोल्गी अपरेटस एनिमल्स में है, उसके जगह में प्लांट्स में क्या होता है, डिक्टाइलोजोम. ओके. तो गोल्गी कैसे होता है, कुछ इस तरह से गोल्गी सेक लाइक होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रिस्टे बोलते हैं, सॉरी सिस्टर्नी बोलते हैं उसको, सिस्टर्नी. दीज आर स्टैक्ड मेम्ब्रेन. स्टैक्ड मेम्ब्रेन हैविंग फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स. ओके. फ्लूइड फिल्ड रहता है उसको, वेसिकल, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी. इन प्लांट्स एंड इट इज कॉल्ड एज डिक्टाइलोजोम. इस एनिमल्स में गोल्गी अपरेटस, बट इन प्लांट्स से कॉल्ड, इन प्लांट्स में डिक्टाइलोजोम, डिक्टाइलोजोम. ओके. तो फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है दे सिक्रेट पैकेज एंड डिस्पैचेस द सेलुलर सिक्रेशन. ओके. ये पैकर्स मूवर का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाने लाने का काम. पैकेज एंड डिस्पैचेस दी सेलुलर सिक्रेशंस. दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये भी सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है. सेल मेम्ब्रेन्स. अब नेक्स्ट हमारा है लाइजोसोम्स. दिस वन इज लास्ट सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स, दिस वन इज लाइजोसोम. अंडर द लाइजोसोम सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दिस वन इज पावरफुल एंजाइम्स. Okay, this one is a powerful enzyme. These are membrane bounded vesicle containing powerful digestive enzymes. Okay, these are membrane bounded vesicles. एक मेम्ब्रेन से कवर अप है और उसमें वेसिकल प्रेजेंट्स हैं जो, जिसमें ना पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं. पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. अब इसका फंक्शन देखते हैं हम. दे डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट मटेरियल. कोई भी बाहर से
सेल हमारे ऊपर अगर अटैक करता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, दे सेल के ऊपर अगर अटैक करे तो ये इसे उसे डिस्ट्रॉय करेगा बाहरी चीजों को। दे रिमूव वॉर्म आउट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ओके वॉर्म आउट कोई भी खराब जो होता है सेल उसको रिमूव करने में, वॉर्म खराब जो सेल हो उसको बाहर हटाने का भी काम करता है वॉर्म आउट। दे रिमूव वॉर्म आउट कंपोनेंट्स ऑफ सेल, खराब पार्ट जो है सेल का उसको हटाने का काम, रिमूव करने का काम करता है। दे एक्ट एज अ सुसाइडल बैग, पूछा जाता है विच ऑर्गेनिज इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, तो उसमें बताना लाइसोजोम इज अ सुसाइडल बैग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर टाइम। दे एक्ट एज सुसाइडल, when the cell gets damaged lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell, therefore lysosome are also known as the suicidal bag of a cell। agar pucha jaye suicidal bag kya hai kisko bolte to is tarah se kuch batana hai। when the cell gets, kyun usko bola jata hai suicidal bag, to when the cell gets damaged, jab cell jo hote hain damaged ho jate hain to lysosome may burst and their enzyme digest their own cell, okay wo lysosome burst karta hai aur wo apne enzymes jo hai na enzyme apne cell ko khud kha jate hain, digest enzyme digest their own cell, therefore lysosome are also known as the suicidal bag of a cell, okay kuch is tarah se bataya jata hai। yahan likhte hain when the cell gets damaged lysosome may burst and the enzymes digest their own cell, वो अपना सेल खुद खा जाते हैं ओन सेल, therefore lysosomes are also known as the suicidal bag, इसलिए इसे suicide bag भी कहते हैं, suicide bag of a सेल का सुसाइड बैग कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम हमारा क्या करता है, व्हाट वर्क्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स इज क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका फंक्शन क्या है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारा ये चैप्टर लगभग फिनिश्ड है, ये फिनिश्ड है पूरा। अब है हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइट इट्स फंक्शन, इस तरह से उसके बारे में आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो इट इज़ अ इरेगुलर नेटवर्क लार्ज ट्यूब्यूल्स, इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर, इस तरह से लिख के उसके बाद में दिस वन इज टू टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉफ इज प्रेजेंट राइबोसोम बट अ स्मूथ इज नॉट राइबोसोम प्रेजेंट, तो इस तरह से उसका डिफाइन करना आपको और उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। ये सिंथेसाइज फैट्स करता है, ओके फॉर्म स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल, इस तरह से इसके बारे में आपको फंक्शन बताना है। इसी तरह से आपको लाइसोसोम, व्हाट इज द वर्क ऑफ लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है इसका आपको बताया। व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म, क्या है साइटोप्लाज्म, व्हाट इज फंक्शन, फिर उसके बाद आपका फिर न्यूक्लियस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। तो ये आपका, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आप आसानी से वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। थैंक यू।